कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि भविष्य में सभी जेल्स का कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। ये कंपनियां पैसों के लिए कैदियों की जान तक दांव पर लगा देती हैं। इन्हीं में से एक है टर्मिनल आइलैंड की जेल, जहां कंपनी कैदियों से डेथ रेस करवाती है और देश भर के लोग इसे खूब चाव से देखते थे। ये गाड़ियों की रेस है जहां सभी कैदी अपनी पूरी जान से जीतने की कोशिश करते थे, क्योंकि जो भी कैदी लगातार 5 बार जीत गया उसे रिहा कर दिया जाएगा। आज की रेस में सिर्फ 2 गाड़ियां बची थी। एक में नकाबपोश फ्रैंकनस्टाइन और उसकी नेविगेटर केस थी और दूसरी में फ्रैंक का सबसे पुराना दुश्मन जो। फ्रैंक रेस जीतने ही वाला था कि अचानक उसकी गाड़ी में हथियारों ने काम करना बंद कर दिया। फिर फ्रैंक ने केस को पैराशूट के जरिए गाड़ी से निकल जाने को कहा और खुद आगे बढ़ गया। आखिरकार जो ने हमला करके फ्रैंक की गाड़ी में जोरदार धमाका कर दिया। इसके कुछ दिन बाद हम जेनसन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पहले जेल में रह चुका था लेकिन अब गाड़ी चलाता था। रात को घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से मिला और फिर अपनी नन्ही बेटी को देखने गया। इसी दौरान एक नकाबपोश आदमी ने आकर उसकी पत्नी को जान से मार डाला। जब जेनसन वहां आया तो उस आदमी ने उसे भी बेहोश कर दिया और जेनसन के हाथ में कत्ल का हथियार रखकर उसने हाथ से बंदूक का इशारा किया और चला गया। बाद में जब जेनसन की आंख खुली तो पुलिस ने उसे अपनी पत्नी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने बाद जेनसन टर्मिनल आइलैंड जेल में पहुंचा। उसे जेल की वार्डन हेनेसी के पास बुलाया गया। वो जानती थी कि जेनसन एक बेहतरीन ड्राइवर है, इसलिए उसने जेनसन को नया फ्रैंकनस्टाइन बनने का ऑफर दिया। असल में पिछली रेस में हुए धमाके से असली फ्रैंकनस्टाइन की मौत हो गई थी, लेकिन अब तक इस बारे में कोई जानता नहीं था। देश भर के लोग फ्रैंक को बहुत पसंद करते थे और इसी वजह से उनकी रेस की TRP बहुत ऊपर रहती थी। तो अगर ये खबर फैल गई कि फ्रैंक मर चुका है तो उन्हें भारी नुकसान होगा। इसीलिए जेनसन को मास्क पहनकर अगला फ्रैंक बनना होगा। नियमों के मुताबिक 5 रेस जीतने पर कैदी आजाद हो जाएगा और फ्रैंक पहले ही 4 रेस तो जीत ही चुका था, इसलिए अब जेनसन के पास भी सुनहरा मौका था कि बस 1 रेस जीतनी है फिर फ्री। जेनसन अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, लेकिन फिर हेनेसी ने उसे समझाया, देख छोरे, अगर तू रेस नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जेल में ही पड़ा रहा तो तेरी बेटी को कौन संभालेगा, वो बिना माँ बाप के पड़ेगी। उसकी ये बात सुनकर जेनसन फ्रैंक बनकर रेस करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जेनसन की मुलाकात कोच और उसके आदमियों से हुई, जो फ्रैंकनस्टाइन की गाड़ी को संभालते थे। इसी तरह हर टीम का अलग इलाका था। वहीं एक जगह थी जहां हेनेसी महीनों से कुछ बड़ा तैयार कर रही थी। अब जेनसन वहां फ्रैंक की जगह आया है, ये सिर्फ उसी की टीम को पता था। फिर कोच ने उसे गाड़ी दिखाई जिसमें कई तरह के हाईटेक हथियार थे, लेकिन ये सिर्फ रेस के दिन ही एक्टिवेट होंगे। इस जेल से भागना भी नामुमकिन था, क्योंकि जेल एक आइलैंड पर थी जहां से निकलने के लिए एक छोटे से पुल से होकर जाना पड़ता। अगर कोई भागने की कोशिश भी करता तो पुलिस और हेलीकॉप्टर उसे तुरंत धर दबोचते। फिर टीम ने उसे बताया कि रेस के 3 पड़ाव होंगे, जिसमें पहले 2 पड़ावों में उसे जितने हो सके उतने कैदियों को मारना होगा और तीसरे पड़ाव में जो सबसे पहले गाड़ी चलाकर जीतेगा वही विजेता होगा। हर खिलाड़ी के साथ एक लड़की नेविगेटर का काम करेगी। इसके बाद हम जो और बाकी खिलाड़ियों को भी देखते हैं। तभी जो ने वहां आकर कहा कि यह मुकाबला असल में सिर्फ उसके और फ्रैंक के बीच में ही है। उसी पल फ्रैंक की नजर कुछ कैदियों पर पड़ी जिनके हाथ में GPS डिवाइस जैसा कुछ था। उसे याद आया कि यह तो वही डिवाइस है जो उसने अपनी पत्नी के कातिल के हाथ में देखा था। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि उसे किसी साजिश के तहत यहां बुलाया गया है। आखिरकार पहले पड़ाव का दिन आया और जेनसन को फ्रैंक के कपड़े और मास्क दिए गए और उसके लौटते ही डेथ रेस की मशहूरी फिर से आसमान छूने लगी। कोच ने उसे दूसरे खिलाड़ियों से बात करने से मना किया, क्योंकि असली फ्रैंक ऐसा कभी नहीं करता था। इसके बाद जेनसन ने गाड़ी में अपना मास्क उतार दिया, क्योंकि बाहर से कोई उन्हें देख नहीं सकता था और केस भी उसका राज जानती ही थी। रेस के शुरू होते ही खिलाड़ी एक दूसरे की गाड़ी को गिराने की कोशिश करने लगे, लेकिन केस की मदद से जेनसन जो के साथ सबसे आगे पहुंच गया। फिर केस ने उसे एक शॉर्टकट बताया जिससे वो पहले नंबर पर आ गया। इसके बाद खिलाड़ियों के लिए तलवार और ढाल के रूल लागू कर दिए गए। जिस खिलाड़ी की गाड़ी निशान से गुजरेगी उसके हथियार एक्टिवेट हो जाएंगे। जल्द ही ट्रैक पर खिलाड़ी जोरदार गोलीबारी करने लगे। इसके बाद हेनेसी ने डेथ हेड्स भी एक्टिवेट कर दिए, यानी जिसकी गाड़ी वहां से गुजरेगी वो तुरंत कुचला जाएगा। इसके बाद जेनसन ने अपने हथियार चालू कर लिए, लेकिन मशीन गन फिर भी काम नहीं कर रही थी। तभी केस गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसे ठीक करने लगी तो उस पर चारों ओर से गोली
गोलियां बरसने लगी, लेकिन जेनसन ने जबरदस्त तरीके से गाड़ी मोड़कर उसे बचा लिया। जेनसन ने गाड़ी की शील्ड एक्टिवेट की, लेकिन वो गोलियों की बौछार को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई। फिर उन्होंने धमाका करके कोल्ट की गाड़ी भी उड़ा दी। अब जेनसन का मुकाबला फिर से जो से हुआ, लेकिन तभी पेचेनको नाम के एक ड्राइवर ने आकर उसकी तरफ वही बंदूक का इशारा किया जो उसकी पत्नी के कातिल ने किया था। इससे जेनसन का ध्यान भटक गया और आखिरकार पेचेनको ये पड़ाव जीत गया। अब तक 3 खिलाड़ी मर चुके थे और दूसरे पड़ाव में 6 खिलाड़ी पहुंचे। बाद में कोच ने गाड़ी की जांच की कि सारे डिवाइसेस तो ठीक हैं, फिर ये रेस में एक्टिवेट क्यों नहीं हुए। इसके बाद जेनसन सीधा हेनेसी के पास पहुंचा और कहा कि वो जानता है कि पेचेनको ने ही उसकी पत्नी को मारा है, लेकिन ये सब हेनेसी का ही तो प्लान था ताकि जेनसन को फ्रैंक बनाकर रेस में लाया जा सके। ये सुनकर भी हेनेसी ने सच्चाई कबूल नहीं की, बल्कि जेनसन की बेटी की तस्वीर दिखाकर एक बार फिर से उसे धमका दिया। बेचारा जेनसन उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जब वो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था, उसे पेचेनको दिखाई दिया। जेनसन भी उसके पीछे उसके इलाके तक पहुंच गया, लेकिन तभी पेचेनको की टीम ने उसे पकड़ लिया। पेचेनको ने उसे बुरी तरह पीटा और वो हथौड़े से उसका सर फोड़ने ही वाला था कि जेनसन की टीम के आदमी ने आकर उसका ध्यान भटका दिया। मौके का फायदा उठाकर जेनसन ने उन पर हमला बोल दिया और सबकी हड्डी पसली एक करके उसने अंत में पेचेनको को पकड़ा। आखिरकार पेचेनको ने सच उगल दिया कि हेनेसी ने ही उसे उसकी पत्नी को मारने भेजा था। जेनसन उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी पुलिस वाले अल्रिक ने आकर लड़ाई रोक दी। अगले दिन रेस का दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला था और पेचेनको ने एक बार फिर जेनसन की तरफ इशारा करके उसे चिढ़ाया, लेकिन जेनसन उसके झांसे में नहीं आया और वो रेस शुरू होने पर धीरे धीरे चलता रहा। फिर उसने केस से पूछा कि क्या उसने फ्रैंक को मारा था, क्योंकि गाड़ी के हथियार लगातार 2 रेसेस में एक्टिवेट नहीं हुए थे। जब जेनसन ने गाड़ी में धमाका करने की धमकी दी तो केस ने सच बताया कि उसने हेनेसी के कहने पर फ्रैंक की गाड़ी के हथियार बंद किए थे। हेनेसी नहीं चाहती थी कि फ्रैंक जीत कर रिहा हो जाए, लेकिन उनका प्लान फ्रैंक को मारने का भी नहीं था, फ्रैंक खुद ही जीतने के चक्कर में मारा गया। ये सुनकर जेनसन फिर से रेस में शामिल हो गया। इस बार उसकी टक्कर पेचेनको से थी। उसने पेचेनको से आगे निकलकर हथियार एक्टिवेट करने के निशान को पार किया, लेकिन सब सोच रहे थे कि गाड़ी के हथियार तो सामने की तरफ हैं, तो इस्तेमाल कैसे करेगा। लेकिन जेनसन ने अपने मन में बोला, धूम मचा ले और ये कहकर उसने जबरदस्त तरीके से गाड़ी घुमा दी और फिर उल्टी गाड़ी चलाकर पेचेनको पर धड़ाधड़ गोलियां चला दी। इसके बाद उसने सामने मुड़कर गाड़ी से धुआं छोड़ दिया, जिससे पेचेनको की गाड़ी क्रैश हो गई। फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला, पेचेनको की गर्दन मरोड़ी और अपनी पत्नी की मौत का बदला लिया। अब रेस में जेनसन और जो की टक्कर थी। उसी वक्त हेनेसी ने अपना राज खोला जो वो इतने समय से तैयार कर रही थी। ये एक हथियारबंद ट्रक था जिसने आते ही 2 खिलाड़ियों को जबरदस्त धमाकों में उड़ा दिया। फिर उसने आगे बढ़कर एक और खिलाड़ी की गाड़ी भी पल भर में राख कर दी। अब हेनेसी का निशाना जो और जेनसन पर था। इससे बचने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी, इसलिए जेनसन ने वॉकी टॉकी की मदद से जो से बात की और जो भी इसके लिए राजी हो गया। उन दोनों ने एक साथ ट्रक को टक्कर मारनी शुरू की और जैसे ही उनके सामने डेथ हेड आया, उन्होंने गाड़ी वहां से गुजारी जिसमें ट्रक बुरी तरह कुचला गया। आखिरकार दूसरा पड़ाव भी खत्म हुआ। उधर हेनेसी और अल्रिक ने फैसला किया कि उन्हें जेनसन को रास्ते से हटाना होगा ताकि वो रिहा ना हो सके। इसीलिए रेस शुरू होने से पहले अल्रिक ने जेनसन की गाड़ी में एक बॉम्ब लगा दिया था। जेनसन जानता था कि आज तक रेस जीतकर कोई रिहा नहीं हुआ, इसलिए ये लोग उसे भी जीतने तो नहीं देंगे। जेनसन के दिमाग में एक प्लान आया और उसने अपनी टीम से कहकर गाड़ी का रिजर्व टैंक तेल से भरवा दिया। बाद में जब वो तैयार हो रहा था तो हेनेसी ने आकर उसे रिहाई के कागज दिए। उसने कहा कि अगर जेनसन रेस जीतता है फिर भी उसे फ्रैंक बनकर यहाँ रहना चाहिए। जेनसन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कागज जेब में रख कर चला गया। जब वो गाड़ी में बैठा तो केस ने उसे बताया कि हेनेसी ने उसे जेनसन को ना जीतने देने को कहा है, हालांकि जेनसन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब रेस शुरू हुई तो अल्रिक ने सिर्फ जो के हथियार एक्टिवेट किए, जो ने तुरंत जेनसन पर जबरदस्त वार करने शुरू कर दिए। इसके बाद जो ने उस पर कई रॉकेट्स छोड़ दिए, लेकिन जेनसन ने किसी तरह गाड़ी घुमा दी और रॉकेट्स जाकर दीवार पर लगे। असल में जो और जेनसन ने मिलकर इन रॉकेट्स का निशाना एक जगह लगाने की सोची थी। कुछ ही धमाकों में दीवार टूट गई और वो दोनों जेल से भाग निकले। जब हेनेसी ने उन्हें भागते देखा तो उसने तुरंत पुलिस की फौज उनके पीछे भेजी और जेनसन की गाड़ी का बॉम्ब बटन दबा दिया। लेकिन ये क्या, कोई धमाका तो हुआ ही नहीं। असल में कोच ने पहले ही गाड़ी से बॉम्ब निकाल दिया था। उधर जो और जेनसन पुल तक पहुंचे
बजे, लेकिन पुलिस नजदीक आती जा रही थी। अब जेनसन ने प्लान के अगले हिस्से की शुरुआत की। उसने रिजर्व टैंक का तेल लीक कर दिया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ और सारी गाड़ियां वहीं रुक गई। आखिरकार वो दोनों पुल पार करके अलग अलग रास्तों पर निकल गए और सारे हेलीकॉप्टर्स जेनसन का पीछा करने लगे। अब केस ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया, क्योंकि हेनेसी उसे भी रिहाई के कागज पकड़ा चुकी थी। जब वो एक अंधेरे रास्ते से गुजरे तो जेनसन गाड़ी से कूदकर छुप गया और केस ने उसकी जगह ले ली। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर्स ने उसके सामने आग की दीवार खड़ी कर दी और उसे खुद को उनके हवाले करना पड़ा। लेकिन तब तक उसने फ्रैंक के कपड़े और मास्क पहन लिया था। पुलिस वाले बिना उसे बताए वापस जेल में ले गए और जेनसन जो के साथ भाग निकला। उधर हेनेसी और अल्रिक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे कि तभी हेनेसी ने एक डब्बा खोला जिसमें वही बॉम्ब था। अब की बार कोच ने उसका बटन दबा दिया और वो दोनों वही मारे गए। 6 महीने बाद जो और जेनसन मिलकर अपनी गाड़ियों की दुकान चलाने लगे और जेनसन को भी अपनी बेटी वापस मिल गई थी। उधर केस भी रिहा हो गई और आखिर में अपनी नई गाड़ी लेकर उनसे मिलने आई। आज कमेंट्स में ये जरूर बताना कि तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।